इतने बड़े व्यक्तिगत चरित्र मुझे करने का मौका मिला, इसके लिए मैं सबका आभार हूँ। काफी बड़े विद्वान थे आप, तो आप कितनी प्रेरित थे उनके पर्सनैलिटी से? जी मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि आज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे हमारे देश वो उस दौर में 27 महीनों में लिखी गई थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर उनके संविधानकार थे, इस बात का मुझे गर्व भी है और मैं उनका बहुत बड़ा भाषा हूँ। अच्छा
बारे में। नमस्कार, मैं संविधान इस मालिका में श्याम बेनेगल जी की निर्देशन में मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका निभाई। इस भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बतौर एक्टर आज जितना मैं सीख पाया हूँ इस कैरेक्टर से, शायद मेरी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं सीखा था। आज इस मालिका को जब दिखाया गया सारे पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने, तो उसे बहुत सराहा गया। आज मेरे काम की अगर मैं अपने मुंह से ये पता नहीं मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये मेरे लिए अभिनय नहीं है, ये जो इतनी महानता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, जो जिसका अभ्यास और जिसका सादरीकरण जिस तरह से स्क्रीन पर हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से उस यूनिट का और सभी का आभारी हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका मेरे हिस्से आ गई, इस बात के लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। और आज जिस तरह से रामदास जी के हाथों मुझे सराहा गया है, ये शायद इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। और मैं कैलाश जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और इस सम्मान के लायक समझा। थैंक यू वेरी मच।